हो चुका है और उसके बाद से ये स्टैंड देखो काफी हिल भी नहीं रहा है इसको सेट करने के बाद से। और ये टेबल आप देख रहे हो ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही। दोस्तों आप देख सकते हैं पीसी मैंने जो है ऑन कर लिया है और अभी आपको मैं दिखा देता हूँ भाई, काफी बड़ा स्क्रीन जो है आप देख सकते हो एकदम बिल्कुल HD में दिखा दे रहा है। ये नहीं होता है कि अगर आप नॉर्मली पीसी लेते हो मोनिटर लेते हो तो उसमें ये जो स्क्रीन होता है। मैंने मंगाया है मार्क्यू का जो है 27 इंच का मोनिटर और इस वीडियो में जो है मैं इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि एक जो है काफ़ी कम रेट में जो है आपको अच्छा मोनिटर मिल जाए तो ये वीडियो आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट पे जो है या अमेजोन पे बहुत सारा सर्च किया लेकिन काफ़ी हाई रेट का मिल रहा था, लेकिन मैंने जो मार्क्यू कंपनी का है जो ब्रांडिंग है फ्लिपकार्ट का और ये काफ़ी आपको जो है कम रेट में ये मार्क्यू का जो है आपको 27 इंच में जो है IPS पैनल में मोनिटर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इसको जो है अनबॉक्सिंग करने से पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये इसका बॉक्स है आपको इसमें मिल जाता है रहता है और कुछ ऐसा जो है इसमें दिखाया गया है। तो चलिए इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद से जो है इसका मैं आप रिव्यू भी दिखाऊंगा, ठीक है, सारा चीज़ सेटअप करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम कौन सा मॉनिटर मंगाएं, अगर आप ऑफिस होम वर्क करना चाहते हैं जैसे अपने घर पे, या आप ऑफिस पे काम के लिए लेना चाहते हैं, एडिटिंग के लिए लेना चाहते हैं, तो भाई इसके लिए जो है ये मॉनिटर काफ़ी अच्छा है। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं दोस्तों। देख लिया इसको मैंने इसके पैकिंग से निकाल दिया है और इसका पैकिंग जो है काफ़ी भाई अच्छा है, ताकि आने में इसको अगर कुछ दब भी जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या मिल जाता है। ये जो है दोस्तों आप लोगों को मैनुअल यूजर मैनुअल मिल जाता है जिससे आपको सेट करना है, इसको साइड में रखते हैं। और इसमें जो है दोस्तों ये क्या है, ये आपका जो है पावर वाला बोर्ड वो मिल जाता है आपका, और इसमें HDMI का केबल मिल जाता है, ठीक है। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसका स्टैंड है जो अभी मैं सेट करूंगा तो दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद से ये मिल जाता है आपको, ये भी इसका स्टैंड का ही है कुछ हिस्सा है जो इसको अभी साइड में रखते हैं। और उसके बाद से आप देख सकते हो भाई पहला लुक है और देखते कैसा रहता है, ठीक है, हैं। और ये आप देख सकते हो भाई मैं तो बहुत ही एक्साइटेड था भाई, इसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार था और मैंने इसको जो है व्हाइट कलर में जो है मतलब ऑनलाइन किया था, ब्लैक कलर मुझे पसंद नहीं है, व्हाइट कलर काफी अच्छा लगेगा। और ये कुछ देख सकते हो ऐसा है अभी, ठीक है। और इसको इसका पैकिंग जो है ना दोस्तों बहुत ही शानदार किया गया है। चलो मॉनिटर को निकालते हैं लोग, आई पहला रिव्यू आप देख सकते हैं, वाह ये आप देख सकते हो काफी जो है काफी वजनी है, ठीक है, हल्का भी नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको टच करते हो या आप हाथ में पकड़ते हो ना तो इसको लगेगा कि आप एक ब्रांड जो है जो महंगी महंगी ब्रांड है उसके टक्कर में ये है। और मार्क्यू का फ्लिपकार्ट जो है भाई कम पैसे में अच्छा दे रहा है मॉनिटर, आप देख सकते हो काफी भारी है। और ये मैं आपको बैक भी दिखाऊंगा इसका, और ये देख सकते हो व्हाइट कलर मैंने मंगाया, ठीक है। तो इसमें आपको दो स्पीकर मिल जाता है 2 वाट का, एक इधर है एक इधर है, ठीक है। तो और काफी एकदम पतला है, बहुत ही पतला है, ठीक है, ताकि लगेगा हाँ भाई मॉनिटर है। तो चलो इसको हम लोग जो है इसमें स्टैंड सेट करते हैं, ठीक है। ये इसका स्टैंड दिया गया है कुछ ऐसा है एल्युमिनियम का, काफी मजबूत लग रहा है ये। और ये इसका स्टैंड का पीछे का है, ठीक है। तो चलो इसको हम कसते हैं, उसके बाद से जो है इसको जो है आसानी दिया हुआ है सेट करना, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है।
कैसे सेट होगा भाई। इसमें एक स्विच भी एक बटन होना चाहिए, बटन तो दिया है इधर मैनुअल में, बटन भी दिया है। तो चलो सेट कर। तो दोस्तों मैंने स्टैंड इसका कस लिया और देख सकते हो काफी शानदार लग रहा है भाई, 27 इंच का, और काफी लग रहा है कि हाँ भाई मॉनिटर आप चलाओगे, ठीक है। तो इसमें दोस्तों बहुत ही अच्छा फिक्स हो गया है और काफी हिल भी नहीं रहा है, बेहतरीन है। और ये सेट हो चुका है और उसके बाद से ये स्टैंड देखो काफी हिल भी नहीं रहा है इसको सेट करने के बाद से। और ये टेबल आप देख रहे हो, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही परचेज किया था दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको टेबल भी परचेज करना है तो नेक्स्ट वीडियो देख लेना, मेरा यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। और इसमें दोस्तों चलो मैं आपको पास से दिखाता हूँ, देखो दोस्तों इसमें क्या क्या आपको मिल जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे दो स्पीकर है और बहुत सारा चीज मिल जाता है जो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों ये देख सकते हो मैंने अभी इसको जो है अनबॉक्सिंग कर लिया, अब इसको रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये देख सकते हो ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है, 27 इंच का डिस्प्ले, ठीक है, और काफ़ी स्मूथ है, ठीक है। इसमें जो है काफ़ी आप जब पास से आप मंगाओगे तो उसमें देखोगे कि काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी मार्क्यू का जो है बनाया है। और ये आपको स्टैंड यहाँ मिल जाता है, उसके बाद से जो है इसका स्क्रीन में आपको दिखा सकता हूँ, साइड से मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊँगा। ये देख सकते हो कितना पतला है, और ये इसका बैक का जो है साइड है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो है एक स्पीकर यहाँ पे मिल जाता है, लाउड स्पीकर यहाँ पे एक स्पीकर मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद स्टैंड कुछ ऐसा मिल जाता है, और उसके बाद से दोस्तों इसमें जो है HDMI का केबल लगाने का भी मिल जाता है जो आपको हम दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है सबसे अच्छी चीज है ये कि यहाँ HDMI का वो मिल जाता है, यहाँ पे जो है मैक का मिल जाता है इन, और यहाँ पे जो है पावर वाला स्विच मिल जाता है, और यहाँ पे कुछ बटन मिल जाते हैं जिससे आप ऑफ कर सकते हो, ठीक है, ऑफ का है, वॉल्यूम का है, होम का है, और यही बाकी सब चीज़ है। तो चलिए इसको जो है रखते हैं और इसको ऑन करते हैं, इसको जो है केबल लगा के ऑन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है इसका पावर केबल, और इसको हम लगाते हैं और उसके बाद से वो सेट करके जो है दिखाऊंगा आपको पावर केबल। और इसका पावर केबल ये मिल जाता है, थोड़ा सा जो है पीछे इसके जाके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं PC मैंने जो है ऑन कर लिया है, और अभी आपको मैं दिखा देता हूँ भाई, काफी बड़ा स्क्रीन जो है आप देख सकते हो, एकदम बिल्कुल HD में दिखा दे रहा है। ये नहीं होता है कि अगर आप नॉर्मली PC लेते हो, मोनिटर लेते हो, तो उसमें ये जो स्क्रीन होता है मतलब दूर दूर दिखाई देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें एकदम स्मूथिंग दिखाई दे रहा है। और ये कीबोर्ड की वजह से तो और जान मार रहा है इसको, तो काफ़ी अच्छा है। और मैंने HDMI से कनेक्ट किया है इसको, और लैपटॉप मेरा नीचे है, ठीक है, और उसके मैंने चलाया है काफ़ी। मैं आपको जो है थोड़ा सा इसको चला के भी दिखा देता हूँ, देखो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। और आप भी अगर इसको जो है अपने ऑफिस वर्क के लिए परचेज करना चाहते हैं तो भाई परचेज कर लीजिए, क्योंकि ये PC जो है बहुत ही बेस्ट है। और फ्लिपकार्ट पे जो है ऑफर चल रहा था उस समय मैंने मंगाया था, और काफ़ी शानदार जो है PC है भाई, मुझे तो बहुत ही पसंद आया है। तो भाई जिसको मंगाना, देख सकते हो ये सारा YouTube का साइड है मेरा, YouTube का वर्क है हमारा, तो इसमें सारा चीज़ लॉगिन करके, और काफ़ी अच्छा देखने में भी लग रहा है, ठीक है। तो ये मुझे जो है फ्लिपकार्ट पे 8200 कुछ रुपए को पड़ा है, ठीक है, और मैंने जो है बिग बिलियन डे चल रहा था उसमें मंगाया, तो काफ़ी डिस्काउंट भी हो गया है इसमें, ठीक है। तो भाई आप अगर आपको मंगाना है तो मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है आपको इसका लिंक भेज दूंगा, इस जो 27 इंच का मॉनिटर है मार्क्यू का, आप लोग मंगा सकते हो दोस्तों। ये जैसे ऑफिस वर्क हो गया, या यूट्यूब आप बनाते हैं, या वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए बहुत ही बेटर है कम से कम दामों में दोस्तों, ठीक है। तो चलो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और